अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बनाने लगी थी आज वेजिटेबल बिरयानी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट में जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेजिटेबल सारी मैं आपको बताना भूल गई, और अब मैंने कहा चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने जो है एक पाव के करीब फूल गोभी ली है, और एक पाव मैंने करीबन आलू लिए हैं, उनको मैंने छील के काट लिया, और ये चार टमाटर डाले हैं, और तीन मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं। तो इसमें मैंने डाली है एक चम्मच रेड मिर्चें पिसी हुई, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा लहसुन पाउडर, और थोड़ा सा नमक डाला है। और हल्दी हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हल्दी डालने से हांडी सालन जैसा टेस्ट आ जाता है, और ये हमने बनानी है बिरयानी, तो इसलिए इसमें हल्दी नहीं डालेंगे। और अब मैं इसको सब्जियों को भून रही हूँ, भूनते भूनते ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये सात शिमला मिर्च और एक लेमन जाएगा, लेमन को का जूस मैं उसमें जब ये भून रही होंगी तो उसके मैं अंदर में डालूंगी जब मिर्चें डालेंगे। और ये तीन चार साबुत हरी मिर्चें हैं वो डालूंगी, और एक जो है बड़ी शिमला मिर्च मैंने ले कर काट ली है, तो ये भी जाएगी इसमें। और ये हमारे राइस जो हमने भिगो के रखे हुए हैं, तो इनको जो है वो अभी एक ब्राउन राइस आ गया था बीच में, ये बस भीग गया, मुझे एक डेढ़ घंटा हो गया इनको भिगोए हुए, अभी इनको बॉईल कर लेंगे। जी जनाब ये देखें, ये सब्जियां हमारी हो गई थी तैयार पहले वाली, और अभी हमने शिमला मिर्च और हरी मिर्चें उसमें डाल दी हैं। ये क्योंकि जल्दी से नरम हो जाती है शिमला मिर्च, इसलिए हमने इसको जो है थोड़ा लेट डाला है। तो अभी बस थोड़ा सा इसको भुनेंगे और निकाल देंगे, क्योंकि चूल्हा यानी बंद कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा नरम फिर अच्छी नहीं लगती, ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी अच्छी लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप दिखाते हैं। जनाब ये हमारे राइस हो चुके हैं बॉयल, तो हम अब हम इसका थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे, दम लगाने के बाद इसके अंदर सब्जियां मिक्स करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी तो जनाब ये हमारे राइस हो आधा दम आ चुका है, और अब इसमें हम सब्जियां डाल रहे हैं। आधा दम होने के बाद इसलिए सब्जियां डालते हैं कि सब्जियां ऑलरेडी गल चुकी होती हैं, सॉफ्ट हो चुकी होती हैं। अगर हम पूरे दम में सब्जियां डालेंगे तो फिर सब्जियां जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर पता नहीं चलेगा इसमें क्या डाला हुआ है हमने, तो इसलिए ये हम सब्जियां बिस्मिल्लाहिर्रहमान सब्जियां हमने डाल दी हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ी देर के लिए और दम लगा देंगे, जब तक इनको पूरा दम आएगा फिर हम खोल देंगे। जी तो जनाब ये देखिए हमारे राइस हो चुके हैं तैयार। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत सा कलर भी आया, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम वीडियो का एंड करते हैं, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, मिलते हैं कुछ देर के बाद इंशाल्लाह।